हेलो, देखो आज क्रीपिंग इन एनर्जी मीटर के बारे में देखेंगे कि एनर्जी मीटर में क्रीपिंग क्या होती है। देखो मैं सबसे पहले बिल्कुल ही साधारण शब्दों में बता देता हूँ, ये एसएससी जेई में आया हुआ है, इसके अपन ये टॉपिक को कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो शंट मैग्नेट होती है ऊपर लगी जिसपे पोटेंशियल कॉइल बंधी होती है, नीचे क्या है सीरीज मैग्नेट जिसपे करंट कॉइल बंधी होती है। ये अपना किसका अरेंजमेंट बनाया है मैंने, सिंपल सा उसका बनाया है, क्या बोलते हैं एनर्जी मीटर का। ये बीच में जो लाल कलर की है डिस्क है जो रोटेट करती है, ठीक है। ये डिस्क कब रोटेट करती है, जब ये दोनों कॉइल एनर्जाइज हो, ठीक है। मतलब इसमें भी करंट कॉइल में करंट और पोटेंशियल कॉइल में पोटेंशियल दिया हुआ हो। तो क्रिपिंग ये कहती है कि अगर इस करंट कॉइल में करंट जीरो हो, मतलब लोड करंट ना हो, ठीक है, एनर्जी मीटर में, फिर भी ये डिस्क क्या होती है रोटेट करने लग जाती है, ठीक है। तो इसी इसी रोटेशन को जब कोई लोड ना लगाओ या लो लोड हो, तो इसी रोटेशन को जब लोड ना लगाओ या लोड कम हो, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिपिंग। देखो क्रिपिंग की सबसे मेन कंडीशन ये है कि पोटेंशियल कॉइल एनर्जाइज रहनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि करंट कॉइल में करंट जीरो रहना होती है, रहना चाहिए, ठीक है। तब अगर ये डिस्क घूमे तो उसको अपन क्रिपिंग कहते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये क्रिपिंग अपन बंद कर सकते हैं, अपन ये पोटेंशियल कॉइल का क्या है कि वोल्टेज हटा लें, ठीक है, पोटेंशियल कॉइल को एनर्जाइज ना करें, उसको हटा लें, तो ये बंद कर देगी रोटेट करना। देखो अपन को पोटेंशियल कॉइल को हमेशा एनर्जाइज रखना ही पड़ता है, ये अब यह मैं आगे भी बताऊंगा। सिंपल सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पोटेंशियल कॉइल ये जो उसको स्टार्टिंग में जब इसको रोटेट करना पड़ता है तो इस पर फ्रिक्शन इसको ओपोज करता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए पोटेंशियल कॉइल को हमेशा एनर्जाइज रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये मैंने अभी बता दिया, अभी अपन आगे थ्योरी देखते हैं ताकि और देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट आते हैं आए हुए हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा मैंने डेफिनेशन लिख दी ताकि आप भी नोट कर लो। क्रीपिंग इन एनर्जी मीटर इज फेनोमिना ड्यू टू विच डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर रोटेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी लोड करंट इन द करंट कॉइल। एनर्जी मीटर की डिस्क रोटेट करेगी इवन इन द एब्सेंस ऑफ करंट इन द करंट कॉइल एंड ओनली प्रेशर कॉइल एनर्जाइज। देखो ये दोनों कंडीशन बताई थी, डिस्क कब रोटेशन को अपन डिस्क के कौन से रोटेशन को अपन क्रिपिंग बोलते हैं, जब डिस्क रोटेट करे कि करंट कॉइल में करंट ना हो और पोटेंशियल कॉइल एनर्जाइज हो, ठीक है। तो ये देख लो ये नेसेसरी कंडीशन में मैंने लिख दिया, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन ये भी ध्यान रखेंगे पोटेंशियल कॉइल मस्ट बी एनर्जाइज, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल कॉइल क्यों एनर्जाइज रहनी चाहिए वो मैंने ऊपर बताया, उसको मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, दिस इज रिक्वायर्ड एज द फ्रिक्शन कंपनसेशन डिवाइस इज वोल्टेज एक्चुएटेड एंड देयरफॉर द फ्रिक्शन कंपनसेटिंग टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट फ्लोइंग इन करंट कॉइल। तो ये सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि भाई पोटेंशियल कॉइल को अपन एनर्जाइज इसलिए रखते हैं क्योंकि जो अपन को ओवरकम करना है फ्रिक्शन जो स्टार्टिंग में रोटेशन का, वो क्या होता है वोल्टेज एक्चुएटेड डिवाइस होता है, ठीक है। उसमें वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, नॉट करंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए वोल्टेज कॉइल को हमेशा एनर्जाइज रखना पड़ता है और करंट कॉइल को अपन को एनर्जाइज नहीं रखना पड़ता, या फिर लोड करंट की अपन को जरूरत नहीं है कि वो जो ये होता है ना क्या बोलते हैं इसको फ्रिक्शन कंपनसेटेंस इसको ओवरकम करे, ठीक है। लेकिन अपन को पोटेंशियल कॉइल को हमेशा और एनर्जाइज रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो जो ओवर फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसको ओवरकम कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो ये क्रीपिंग है उसका एक कारण और ये फ्रिक्शन कंपनसेशन। आप देखना ऑप्शन में कितनी बार आता है कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, गेट वगैरह यहाँ पे भी पूछा गया है, कारण नहीं फ्रिक्शन, हाँ क्रीपिंग का कारण क्या है कि ओवर फ्रिक्शन कंपनसेशन जब अपन कर देते ना तो ये क्रीपिंग होती है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल कॉइल को अपन ज़्यादा एनर्जाइज कर देंगे, तो यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो मेजर कॉजेज ऑफ क्रीपिंग के क्या क्या ज़्यादा कारण बड़े कारण होते हैं, ठीक है। इट इज़ ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन। ये देखें जैसे मैंने आपको बताया ओवर कंपनसेशन करेंगे किसके लिए, फ्रिक्शन के। पोटेंशियल कॉइल को अपन एनर्जाइज करेंगे एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन अपन ज़्यादा करेंगे तो क्या है वो डिस्क रोटेट करने लगती है, ठीक है। इवन देर इज नो लोड करंट इन द करंट कॉइल, ठीक है। द फ्रिक्शन कंपनसेशन डिवाइस इज सो एडजस्टेड टू गिव अ ड्राइविंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फॉर द स्टार्टिंग फ्रिक्शन ऑफ द डिस्क। मतलब ये कहना चाह रहा है कि फ्रिक्शन कंपनसेशन डिवाइस अपन को इसलिए ज़रूरी है ताकि अपन उसको एक नेसेसरी टॉर्क दें जो ओवरकम कर सके किसके, शुरुआती फ्रिक्शन के, ठीक है। तो शुरुआत में अपन बोलते हैं डिस्क एकदम से रोटेट नहीं करती है, उसमें फ्रिक्शन रहता है, तो उस फ्रिक्शन को ओवर करने कम करने के लिए अपन को फ्रिक्शन कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है। फिर ये दूसरी बात लग रही है, बट इफ़ द फ्रिक्शन कंपनसेशन इज मोर देन द रिक्वायर्ड स्टार्टिंग फ्रिक्शन देन देर इज अ टेंडेंसी फॉर द डिस्क टू इवन रोटेट व्हेन देर इज नो करंट थ्रू द करंट कॉइल। तब ये वाली बात लगी कि अगर फ्रिक्शन कंपनसेशन ज़्यादा कर दिया अपन ने, ठीक है ना, अपन को जितना स्टार्टिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए उससे अपन ने फ्रिक्शन कंपनसेशन ज़्यादा कर दिया तो डिस्क बिना लोड करंट के क्या करेगी, रोटेट करने लग जाएगी, ठीक है। अदर कॉजेज ऑफ क्रीपिंग में देख लो एक्सेसिव वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल कॉइल, ये भी अपन को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये तो ये वाली ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन में ही आ गई, ठीक है। अब ये दोनों एक ही चीज़ अगर आप सोचो तो वाइब्रेशन होता है एक, और दूसरा है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो अपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें। अब देखो मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रिपिंग जो अभी क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था, टू डायमेट्रिकली ओपोजिट होल्स आर ड्रिल्ड इन द डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर। जैसे एनर्जी मीटर की एक डिस्क होती है, ठीक है, ये मान लो आप डिस्क है, तो यहाँ पे क्या दो डायमेट्रिकली ओपोजिट एंड पे क्या किए जाते हैं, होल किए जाते हैं, ठीक है। इससे अपन क्या करते हैं,
जो अपनी वो होती है क्रिपिंग, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्यू टू दिस होल द डिस्क विल कम टू रेस्ट व्हेन द होल कम्स अंडर द एज ऑफ द पोल ऑफ शंट मैग्नेट। अब क्या होगा कि जो डिस्क है वो रेस्ट पे आ जाती है जब ये जो एज होगी, ठीक है ना, होल की, वो पोल शंट मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आएगा। तो देखो मैं आपको सिंपल से यहाँ पे एक चीज का चीज बता देता हूँ कि वो कैसे काम करता है। ये जो ग्रह है ग्रीन कलर में ना, इसको आपको शंट मैग्नेट का पोल मान लो और इसको मान लो कि साउथ पोल है, ठीक है। इसमें ये जो है ये होल इसके इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है। अब ये होल इसके इन्फ्लुएंस में आया जो ब्लैक कलर में देख रहे हो, ठीक है। तो अपन को पता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ होगा तो एडी करंट होगा। तो एडी करंट ये मैंने लाल कलर से बना रखा है, किस में होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल जनरेट करेगा। अब ये जो पोल होगा ना, ये बिल्कुल उसी पोलरिटी का होगा जो शंट मैग्नेट का पोल है। मतलब शंट मैग्नेट अगर नॉर्थ पोल है तो ये भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। और ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, रिपेल करेगा। तो ऐसे करके क्या होती है, जो अपनी डिस्क है ना वो रुक जाती है। मोटा मोटा तो यही कारण है भाई, ठीक है। अब देखो इन सम केसेस स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन इज अटैच टू द एज ऑफ द डिस्क। अब ये क्रिपिंग रोकने के लिए क्या करते हैं, कुछ केसेस में स्मॉल आयरन पीस को अटैच कर देते हैं कहाँ पे, एज ऑफ द डिस्क पे, जो डिस्क की दो एज होती है ना साइड वाली, वहाँ पे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द ब्रेक मैग्नेट ऑन द आयरन पीस प्रिवेंट द क्रिपिंग ऑफ द डिस्क, क्रिपिंग ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रेक मैग्नेट जो फोर्स जो लगाती है, ठीक है, ब्रेक, उसको डिस्क के रोटेशन को रोकने के लिए, उस पर ब्रेक लगाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक्स्ट्रा फोर्स एग्जर्ट कर देती है, किस पे, जनरेट हो जाती है इन दो आयरन पीसेज में। तो ऐसे भी क्या करते हैं अपन, ये जो क्रिपिंग है उसको रोक सकते हैं। अब ये देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, एसएससी जेईई 2014 में आया। टू होल्स आर ड्रिल्ड इन द डिस्क ऑन अ डायमीटर ऑफ द एनर्जी मीटर टू, ये पहले ही ऑप्शन करंट सही है, मतलब करेक्ट है, एलिमिनेट क्रिपिंग ऑन नो लोड, मतलब बिना किसी लोड के वो एनर्जी मीटर घूमे ना, इसलिए, ठीक है। थैंक यू।